उस कार्य को जो आप चाहते हैं पूरा करने पाए, पर कई बार हम लोग नहीं कर पाते, निराश होते हैं। और जैसा प्रभु ने हमें आदर दिया, प्रभु ने हमें सिखाया कि हम आपस में, हम और आप परमेश्वर के साथ रह सकते हैं जब जब हम उसकी इच्छाओं को उसकी आज्ञाओं के अनुसार पूरा करते हैं और उसके अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं। जैसा अभी हमने वचन में पढ़ा फिलिप्पियों उसका 4 अध्याय उसके 12 और 13 पद में लिखा हुआ है, मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ, वरन एक बात और, सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना, बढ़ना, घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सचमुच में प्रभु हमें जब सामर्थ देगा तभी हम सब कुछ कर सकते हैं, उसकी इच्छाओं के अनुसार अपने जीवन को चला सकते हैं। हम जब यूसुफ के जीवन को देखते हैं, जो याकूब का पुत्र था, ये 12 गोत्र में से 11वें नंबर में था शायद यूसुफ, है ना। और उसको उसके भाई लोग, जब वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहा था और परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था, वो छोटा था, जब बचपन से ही परमेश्वर ने उसको चुन लिया था, उसको अपनी इच्छाओं के अनुसार, वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार और उसकी इच्छाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत, जब वो भेड़ बकरी चरा रहा है, उसे दर्शन मिलता है, क्या देखता है, 12 फूले हैं, उसके 12 भाई लोग, मतलब उसके पूरे परिवार के लिए वो स्वप्न देख रहा है। और जब उसने अपने भाइयों को उसके बारे में बताया, अपने माता पिता को, याकूब को और अपनी माँ को उसके बारे में बताया, तो उसके भाई लोग उससे जलन करने लगे। जैसा हम देखते हैं कि उसके स्वप्न को जब उसने, तो ये उसके भाई लोग जलन के मारे, ये शायद हमारे ऊपर अधिकार करेगा या राजा बन जाएगा, हम इसको दंडवत करेंगे, हम क्यों ना इसको घात करें। कई बार हमारे और आपके जीवन में भी जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे सेवा में, हमारे आसपास के लोग नहीं चाहते कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, जैसे यूसुफ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चला, हम और आप चल सकें। वो हमें गिराना चाहते हैं, वो हमें परमेश्वर की मर्जी के अनुसार काम करने में, हमारे जीवन में बाधा डालते हैं, हमारा नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उसके भाई लोग ने भी, यूसुफ के भाई लोग ने भी ऐसा ही किया। वो चाह रहे थे कि किसी तरह उसको घात करें। वो छोटा था, अपने परिवार, अपने पिता का लाडला था और उसके वो बहुत आदर करता था अपने माता पिता का भी, और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चला रहा था। हम और आप भी, वो चाहता है कि हम और आप उसके साथ रहें, उसके तरह उसकी आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को प्रभु में चलाएं, पर कई बार हम लोग नहीं कर पाते। यूसुफ जब वो भेड़, जब अपने भाइयों को, जब उसने दूसरा ख्वाब भी देखा, पहले उसने क्या देखा था, फूलों का था, और एक और ख्वाब उसमें भी, जब वो मिस्र का प्रधानमंत्री भी बन गया, कैसे उसने अपने उसके ख्वाब को परमेश्वर ने पूरा किया, उसके भाइयों ने उसको घात करने के लिए योजना बनाई, गड्ढे में डाल दिया, फिर उसके भाई ने, बड़े भाई ने कहा नहीं, इसको घात नहीं करेंगे, हम उसके खून का अपने ऊपर दोष ना लें, उसको गड्ढे में डाल दिया। और जब मिस्र के लिए हम देखते हैं, लोग आ रहे थे, जो व्यापारी लोग थे उनको उसने बेच दिया, उन्होंने कितने उसमें चांदी के 20 सिक्कों में उन्होंने ये उसको बेच दिया। हमने और आपने, जब हमारा यीशु मसीह भी जब इस संसार में था, उसको भी उसके चेलों ने, चेले ने
जो 12 चेलों में से यहूदा इस्करियोती लालच में आ गया और उसने 30 सिक्कों में हमारे प्रभु यीशु मसीह को बेचा। पर वो खुश नहीं रह सका, उसने सोचा मैं छल से अपने प्रभु को पकड़वा दूंगा। उसके भाइयों ने, यूसुफ के भाइयों ने भी उसी तरह से किया, उसको बेच दिया। वो मिस्र पहुंच गया और पोतीपर के घर में जब वो उसको बेच दिया, वहां भी वो परमेश्वर का ईमानदार और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को चला रहा। वो कैद में भी डाला गया, फिर भी वहां परमेश्वर को, उसको छल से कैद में भी डाला गया, उसको हर तरह से विरोध होता रहा, पर वो विश्वास में अपने ईमानदारी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चला रहा था। और प्रभु ने उसको, देखो एक कैसे उसको, एक प्रधानमंत्री, एक साधारण एक चरवाहा था, जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हम और आप कितना उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चला रहे हैं। आज प्रभु हमसे और आपसे भी चाहता है कि हमारा और आपका जीवन यूसुफ की तरह हो, कि हम उसकी इच्छा के अनुसार, चाहे कितनी भी मुसीबत, कितना भी विरोध, हमारे अपने लोग, परिवार के लोग या बाहर के लोग हमारा विरोध करें, पर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार उसकी इच्छाओं को पूरा करने पाए। हम अपने बल से नहीं कर सकते, जब तक परमेश्वर की सामर्थ, उसका अभिषेक हमारे जीवन में ना पाया जाए। और प्रभु चाहता है कि हम और आप यूसुफ की तरह, उसको कैसे प्रधानमंत्री बन गया और मिस्र का बड़ा शासक बन गया, पर उसके अंदर कोई घमंड नहीं था, उसने वहां भी प्रभु को नहीं छोड़ा, उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करता रहा। इतनी बड़ी जिम्मेवारी उसको मिल गई। हमें और आपको शायद अगर ऐसी जिम्मेवारी मिले तो शायद हम प्रभु से दूर हो जाएं, घमंड में उसकी इच्छाओं को हम छोड़ देंगे और अपनी मर्जी के। पर यूसुफ ने ऐसा नहीं किया। हमारा प्रभु यीशु मसीह भी अपने पिता के अनुसार, परमेश्वर पिता ने जैसा उसको संसार में हमारे और आपके लिए भेजा, उसने कष्ट सहा, सब कुछ किया, पर वो परमेश्वर की इच्छा, अंत तक उसने प्रभु की इच्छा को, परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। और अंत में जब सूली, वो जब गतसमनी बाग में प्रार्थना में इतना कष्ट झेल रहा है, हमारे और आपके अपराधों को उसने ले लिया और हमारे और आपके लिए अपने आप को बलिदान करने के लिए सामर्थ मांग रहा पिता से, हे पिता मैं इस योग नहीं कि इस कटोरे को पी सकूं, पर आपकी, परमेश्वर की, आपकी इच्छा मेरे जीवन से पूरी हो। आज हम और आप भी, प्रभु हमसे और आपसे भी चाहता है कि हम और आप उसकी इच्छा के अनुसार, जैसे यूसुफ ने अपने जीवन को व्यतीत किया, हम और आप भी उसकी इच्छा के अनुसार, अपने प्रभु की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने पाए, सामर्थ मांगे। आज हम गोल्डन एज मना रहे हैं, प्रभु ने कितने साल हम गुजर गए, पर हमने क्या उसकी इच्छाओं को पूरा किया, या एक रीति रिवाज के अनुसार, या हम बचपन से एक मसीही कहला रहे हैं, कहलाते तो हैं, पर क्या हमारे अंदर से उसकी इच्छाएं जैसा प्रभु चाहता पूरी हो रही, अभी भी नहीं हो पाती है। हमें सामर्थ मांगनी है, प्रार्थना करना है, प्रभु जो जीवन हमारा शेष रह गया, यूसुफ कितने वर्ष तक जीवित रहा, 120 वर्ष तक, अपने बच्चों को देखा, बच्चों के बच्चों को, ये उसकी बड़ी इच्छाओं के अनुसार उसको एक आशीष मिली। हमें और आपको भी प्रभु ने परिवार में हमारे बच्चे, बच्चों के बच्चों को देखने के लिए दिया उसकी इच्छाओं के अनुसार, पर प्रभु चाहता है कि हम अपने बच्चों को भी, जैसे हमने उनका पालन पोषण किया, उनकी प्रभु की इच्छाओं के अनुसार हमने उनको बढ़ाया है, आज हमें उन बच्चों को भी उसी मार्ग पर ले जाना है, यूसुफ की तरह। घमंड नहीं करना है, दुख उसने झेला, उसके भाइयों ने उसका विरोध किया, हर तरह से हमारा और आपका भी विरोध होता है, हमें और आपको भी लानतान किया जाता है, पर क्या हम उसकी इच्छाओं के अनुसार अपने जीवन को समर्पित कर रहे हैं। प्रभु चाहता है
कि हम और आप अपने जीवन को उसकी इच्छाओं के अनुसार चलाएं। नहीं हो सकता, हम मनुष्य हैं, हम गिर जाते हैं, पर प्रभु अपना हाथ बढ़ाकर हमें और आपको उठाने को तैयार है। वो हमें और आपको तैयार है कि हम और आप उसके साथ उसके प्रेम में बने रहें, उसकी आज्ञाओं को अपने जीवन में चलाने को पाएं। सामर्थ मांगे प्रभु से उसकी इच्छाओं के अनुसार चलने के लिए, तभी हम पूरा कर सकते हैं। हम अपने बल से कुछ नहीं कर सकते। यूसुफ का जीवन सचमुच में एक विश्वास योग्य जीवन, एक आदर का जीवन, वो हर तरह से प्रभु के लिए समर्पित था। हम जब अय्यूब के बारे में देखते हैं, उसको भी जीवन कितना प्रभु की इच्छाओं के अनुसार उसने अपने जीवन को व्यतीत किया। अय्यूब, सब कुछ उसका ले लिया गया, वो निराश था, उसके पत्नी ने, उसके परिवार के लोगों ने उसको छोड़ दिया, सब उस पे दोष लगाने लगे। शैतान को प्रभु ने इतना तक अधिकार दिया कि तू सब कुछ कर सकता है उसकी परीक्षा लेने के लिए, पर उसके जीवन को घात नहीं, उसके आत्मा को तू नहीं नुकसान पहुंचाएगा। तब तक भी प्रभु अय्यूब उसकी इच्छाओं के अनुसार उसने परमेश्वर की हर एक आज्ञाओं को पूरा किया, और प्रभु ने उसको कितनी बड़ी आशीष दी। हम और आपका, हम अगर उस जगह हम और आप अगर होते तो शायद हम उसकी इच्छा को पूरा ना कर पाते। हमें प्रभु से सामर्थ मांगनी है, विश्वास में बढ़ना है, और जब हमारा विश्वास प्रभु पर है तो शैतान हमारा कुछ नहीं कर सकता। हम उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चला पाएंगे। हमें विश्वास में बढ़ना है, उसकी इच्छा के अनुसार प्रभु से मांगना है, प्रभु कि मैं, मुझे इस योग कर कि मैं आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चलाने पाऊं। कितनी भी परीक्षाएं, कितनी भी बीमारी क्यों ना आए, हम निराश ना हो। हमारे अपने जीवन में भी मैंने भी बहुत कुछ सीखा इन बीमारियों के टाइम में। पिछले दिनों सचमुच में मैंने प्रभु से बहुत कुछ सीखा, और प्रभु ने भी मुझे सिखाया कि मैं उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर सकूं। कठिन है, मुश्किल लगता है, पर प्रभु सामर्थ देता है, जैसे उसने अय्यूब को सामर्थ दी, यूसुफ को उसके विश्वास में उसको अपनी वचन के द्वारा उसकी अगुवाई किया, जिसके कारण वो एक राष्ट्रपति बन गया, मिस्र का अधिकारी बन गया। उसके भाई लोग सोचने लगे अब ये तो अधिकारी हो गया, ये हमसे बदला लेगा, पर उसका जीवन कितना अच्छा था। उसने अपने भाइयों की, जबकि उस समय मिस्र में अकाल पड़ गया खाने के लिए नहीं, और उसने अपने भाइयों के लिए और अपने पूरे परिवार को संभाला। क्या हम और आप उसकी इच्छाओं के अनुसार जो गिर रहा है, जो निराश है, क्या यूसुफ की तरह हमारा और आपका जीवन क्षमा करने वाला है? प्रभु चाहता कि हम उसकी इच्छा के अनुसार यूसुफ की तरह प्रभु से सामर्थ मांगे कि प्रभु हमें इस योग कर कि हम यूसुफ की तरह हमारा जीवन क्षमा का जीवन होने पाए। हम अपने विरोधियों से, जो लोग हमारा विरोध कर रहे हैं, जो हमसे जलते हैं, हम प्रार्थना के द्वारा उनको प्रभु के पास लाएं कि प्रभु इसका जीवन, इस भाई का, इस बहन का और इसका जीवन मैं नहीं बदल सकता, मैं उनसे बदला लेने के लिए नहीं, आप प्रभु उनका जीवन बदले। यूसुफ ने अपने भाइयों से बदला नहीं लिया, बल्कि उनकी, वो लोग डर रहे थे जब वो मिस्र में गए कि अब तो ये हमसे बदला लेगा और हमें घात करेगा, पर यूसुफ ने नहीं किया। हमारा यीशु मसीह भी चाहता तो प्रभु ने जब कैलवरी क्रूस से, जब उसने कहा था कि हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते, हमें और आपको भी क्षमा करना है अपने विरोधियों के लिए प्रभु की इच्छा के अनुसार। ये कब हो सकता है? जब हम उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को जांचने पाएं, अपनी गलतियों, अपनी कमजोरी को प्रभु के हाथ में रखें कि प्रभु हमें सामर्थ्य दे
कि हम आपके वचन के अनुसार हम कहीं भी जाएं अपने आप को उसकी इच्छा के अनुसार छोड़ें और उसी के अनुसार चलें भी, नहीं हो पाता है, सामर्थ नहीं मिलती है, निराश होते हैं कई बार हमारे अपने लोग, जैसे अय्यूब के जीवन में उसकी पत्नी ने तक उसको लानतान किया कि क्या रखा है, फिर भी अय्यूब अपने विश्वास में ईमानदारी में बना रहा और उसने प्रभु को पाया। हमारे अपने लोग, हमारे परिवार के लोग कई बार हमें प्रभु की इच्छाओं के अनुसार चलने में हमारे लिए बाधा का कारण होते हैं। हमें प्रार्थना के द्वारा, जैसे प्रभु ने क्षमा किया, उसने हमारे सारे अपराधों को हमारे और आपके अपनों पर लेकर के क्षमा किया, परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा किया और आज भी वो चाहता है कि हम और आप एक दूसरे को क्षमा करें और एक दूसरे को प्रभु में भूल जाएं, उनकी गलतियों को, उनके अपराधों को, जैसे यूसुफ ने भूल गया, उसने बदला नहीं लिया। चाहता तो वो अपने भाइयों से बदला ले सकता था जो जिन्होंने उसको बेचा, उस गड्ढे में डाल दिया, उसके कपड़ों को भेड़ मार करके खून लगा के पिता के पास कि वो तो जंगली जानवर उसको खा गए, झूठ भी बोल दिया अपने पिता से और डर रहे थे जब मिस्र में पहुंच रहे हैं। कई बार हम और आप भी डरते हैं प्रभु के पास जाने से कि वो शायद हमसे और आपसे बदला लेगा। नहीं, प्रभु हमसे और आपसे बदला लेना नहीं चाहता, वो यही चाहता है कि हम उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को समर्पित कर दें, अपने अपराधों को मान लें, क्योंकि उसने हमारे और आपके लिए अपने आप को बलिदान किया। वो कटोरा जो प्रभु ने पिया, वो चाहता है कि हम और आप फिर उसको उसकी स्मरण में पिए, जैसा कि आज हम प्रभु की मेज में इकट्ठा होने वाले हैं। क्या हम और आप उस कटोरे में से पीने के लिए तैयार हैं? उसकी इच्छा के अनुसार हम और आप तैयार हैं कि हम उस कटोरे में से और उस रोटी में से जो प्रभु हमें और आपको वचन के द्वारा खिलाना चाहता, हम खाने के लिए तैयार हैं? हम अपने आप को जांच लें, हम अपने आप को तैयार करें कि सचमुच में प्रभु, मैं मुझे इस योग कर कि मैं आपकी मेज में शामिल हो सकूं, अपने अपराधों के कारण जो हमने और आपने उसके प्रति या अपने भाई बहन या अपने पड़ोसी के प्रति जो हमने बर्ताव किया, उसकी क्षमा मांगे। उसकी इच्छा के अनुसार प्रभु चाहता है कि हम और आप उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को समर्पित करते हुए उसकी उस मेज में शामिल होने पाएं, ताकि उसके आशीष को हम प्राप्त कर सकें। और परमेश्वर यहाँ चाहता है, यहोवा की इच्छा क्या है, वो हमसे प्रभु की इच्छा चाहता है कि हम मनुष्य उद्धार पाएं, हम और आप उद्धार पाएं, अपने पापों की क्षमा मांगकर उससे उद्धार पाएं। ये कब हो सकता? जब हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगेंगे, उसके अनुसार चलेंगे, तभी हम उद्धार पा सकते हैं। हमने और आपने, उसने हमारे और आपके पापों के लिए अपने आप को बलिदान किया और हमें उद्धार और का जीवन और एक नया जीवन दिया है। फिर से हम अपने आप को उसके हाथ में सौंपें। और वो क्या चाहता है? मनुष्य पवित्र रहे। हम और आपको पवित्र रहना है। हम जब कब पवित्र हो सकते? जब हम उसकी इच्छा के अनुसार उससे मांगते, उसके वचन के अनुसार चलते हैं। हम मनुष्य हैं, हम संसार में रह रहे हैं, हम अपने आप को नहीं कह सकते कि प्रभु मैं पवित्र हूं, क्योंकि हम कुछ ना कुछ अपराध कर बैठते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार हम नहीं चल पाते हैं। तो प्रभु चाहता कि हम और आप अपने आप को पवित्र करें, उसके बेशकीमत लहू के द्वारा जो उसने कैलवरी क्रूस पे बहाया, वो बार बार सूली पे नहीं, आज वो क्षमा करने के लिए तैयार है। यदि हम उसको अपना जीवन दें, तब वो हमें पवित्र कर सकता है। और हम प्रभु से मांगे, प्रभु पूरा करेगा और करता है। हमने अपने जीवन में कई बार इस बात को देखा है, कई बार हम निराश हुए, पाप में गिर गए, प्रभु ने फिर क्षमा किया, प्रभु अपना हाथ बढ़ाकर खड़ा
तैयार है हमें और आपको पवित्र करने के लिए, हम उसकी इच्छा के अनुसार अपने आप को समर्पित करें। प्रभु चाहता है, और वो क्या चाहता है कि मनुष्य अलगाव का जीवन जो हमारा प्रभु के साथ है वो अलगाव का जीवन ना रहे। जब हम उससे अलग हो जाते हैं, प्रभु चाहता है कि हमारे अंदर से अलगाव का जीवन दूर हो जाए, हम उसके समीप उसके पास हर वक्त हर समय कहीं भी अपने काम पर हैं, सेवा में हैं, घर के कामों में हैं, चलते फिरते उससे अलग ना हो। शैतान तो नहीं चाहता, कई बार हमारे अपने लोग हमें प्रभु से अलग कर देते। प्रभु चाहता कि हमारे अंदर से अलगाव का जीवन दूर होने पाए। ये कब होगा? जब हम अपने आप को प्रभु के हाथ में देंगे, प्रभु से सामर्थ मांगेंगे। और फिर प्रभु क्या चाहता है? मनुष्य उसकी सेवा कर सके। क्या हम और आप उसकी सेवा के लिए तैयार हैं? सेवा बहुत कठिन है, प्रभु की सेवा। प्रभु की सेवा में बहुत कुछ कष्ट झेलना पड़ता है, दुख मुसीबत बीमारियां आती हैं। हम उसकी सेवा के लिए क्या तैयार हैं? उसकी इच्छा के अनुसार उसकी सेवा को पूरा करने के लिए तैयार हैं? प्रभु चाहता कि हम उसके इच्छा के अनुसार उसकी सेवा के लिए तैयार हो सके, अपने आप को समर्पित करें। प्रभु सामर्थ्य का हम लोग कई बार, मेरा व्यक्तिगत जीवन, हमने एवरूम कुसेड में रहकर बहुत सेवा की है, बहुत उतार चढ़ाव देखा, निराश हुए, पर प्रभु की इच्छा के अनुसार अपने आप को जब हमने समर्पित किया, प्रभु ने हमें आशीषित किया, तभी हम उसकी सेवा को कर पा रहे हैं, नहीं तो नहीं कर पाते। बीमारियां आई, निराश हुए, सब कुछ है, प्रभु ने फिर से सामर्थ दिया कि हम उसके अनुसार अपने जीवन को उसकी सेवा में, जब तक वो हमसे सेवा लेना चाहता। ये नहीं कि हमारी एज हो गई या हम गोल्डन एज मना रहे हैं तो अब हम उसकी सेवा के लायक नहीं। नहीं, प्रभु हमें हर समय अंत तक, जब तक उसकी बुलाहट ना हो, जब तक उसका आना ना हो, हमें प्रभु ऐसी सामर्थ्य दे कि हम उसकी सेवा जो हमसे वो लेना चाहता है, हमारे और आपके जीवन से हम उसको पूरा कर सके उसकी इच्छा के अनुसार। सामर्थ्य मांगे प्रभु से, प्रभु सामर्थ्य देने के लिए तैयार है, क्षमा करने के लिए तैयार है, और आप उसके द्वारा हम और आप आशीषित हो सकते हैं, तभी हम उसकी सेवा को कर सकते हैं। और फिर उसके बाद वो क्या कहता है? मनुष्य उसके साथ रहे, मनुष्य अपनी महिमा मेरे द्वारा, उसकी महिमा में हम शामिल हो सकते हैं। कब? जब हम उसकी इच्छा के अनुसार अपने, तब उसकी महिमा और स्तुति करना हमारे लिए कितना आनंद का विषय होता है, जब हम उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को समर्थ उसकी महिमा और स्तुति करते हैं, उसकी आशीषें वो हमें वरदान करता है। हम मांगते तो हैं प्रभु से, पर उसकी इच्छाओं के अनुसार नहीं मांगते, उसकी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलते। एक रीति रिवाज के अनुसार हम गाने तो गा रहे हैं, सब कुछ है, उसकी स्तुति आराधना, पर क्या उसकी इच्छा के अनुसार हम उसकी महिमा कर रहे हैं? प्रभु चाहता है कि हम और आप उसकी इच्छा के अनुसार उसकी महिमा और स्तुति करने पाए। सामर्थ मांगे प्रभु से। सचमुच में हमें और आपको प्रभु ने बहुत सौभाग्यशाली हम लोग हैं कि हम और आप उसकी इच्छा के अनुसार उसके भवन में उसकी स्तुति आराधना करने पाते हैं। बहुत से लोग हैं उसकी इच्छाओं के अनुसार, अपनी इच्छाओं के अनुसार वो चाहते तो हैं प्रभु के भवन में जाएं या प्रभु की स्तुति आराधना करें, पर वो प्रभु की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को नहीं व्यतीत कर रहे हैं। हम और आपको प्रभु चाहता कि हम उसके अनुसार, उसकी इच्छाओं के अनुसार उसकी महिमा करें जैसा वो चाहता है। ये नहीं कि एक रीति रिवाज के अनुसार या जैसा हमें एक जाना है
दो घंटे चार घंटे प्रभु के भवन में और उसकी महिमा स्तुति करना है, फिर वापस आकर के अपने दुनियादारी में और अपने सांसारिक चीजों में नहीं। प्रभु चाहता है हम आत्मा के अनुसार जहां भी हो उसकी स्तुति आराधना उसके अपने अंतर आत्मा के द्वारा उसकी इच्छाओं को हम पूरा कर सकें। प्रभु चाहता है कि हम उसकी स्तुति आराधना उसकी महिमा स्तुति करें उसकी इच्छा के अनुसार। प्रभु से मांगें कि प्रभु मैं आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को आपके वैदिक आपके कैलवरी क्रूस के पास डालता हूं और अपने अपराधों को अपने जो हमने अपराध किए जो हमने गुनाह किए उसका अंगीकार करें और मांगे प्रभु से कि हम उसकी इच्छा के अनुसार उसकी स्तुति आराधना करें। तभी हमारी स्तुति आराधना ग्रहण के योग्य होगी। नहीं तो हम एक रीति रिवाज के अनुसार जब हमसे कोई पूछे आपने आज क्या पाया प्रभु से, तब हम कह सकें कि मैंने प्रभु की स्तुति महिमा स्तुति में आज उसके वचन के द्वारा उसके भोजन को जो मेरे जीवन के लिए आशीष का पात्र था मैंने उसको पा लिया और उसके अनुसार मैं चल सकूं, उससे सामर्थ मांगे। और प्रभु क्या चाहता है कि हम और आप मनुष्य उसके लिए अपने आप को कुर्बान करें। क्या हम और आप उसके लिए तैयार हैं कि यदि हमारे ऊपर विरोध हो जैसा यूसुफ तैयार रहा, हर तरह से अय्यूब तैयार रहा, क्या हम और आप उसके लिए कष्ट या विरोध को सहने के लिए तैयार हैं उसकी इच्छा के अनुसार? नहीं हो पाता है, नहीं कर पाते हैं। प्रभु चाहता है कि हम और आप उसकी इच्छा के अनुसार अपने आप को समर्पित करें कि यदि हमारे ऊपर मुसीबतें आई, अभी पिछले दिनों जैसे ये कोरोना के कारण कितनी बड़ी समस्याएं हमारे और आपके जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सेवा में, आराधना करने के लिए भी हम लोग के लिए बंद था, पर प्रभु ने अपनी इच्छा के अनुसार हमें फिर से ये मौका दिया हमें और आपको कि उसके भवन में हम आकर उसकी इच्छा के अनुसार उसकी स्तुति आराधना कर सके और उसकी महिमा और उसकी धन्यवाद दे सके। ये अंतिम समय है। अगर हम वचन की ओर देखते हैं और जब घटनाओं को देख रहे हैं, आए दिन घटनाएं, हम और आप डर जाते हैं, निराश होते हैं। अब क्या होगा, अब कैसे होगा, शायद द्वार बंद हो जाएगा, पर अभी भी प्रभु अपनी इच्छा के अनुसार हमें और आपको समय दे रहा है कि हम और आप अपने जीवन को उसकी उसको समर्पित करें और उसके अनुसार अपने जीवन को चलाएं, सामर्थ मांगे ताकि और उसके लिए कष्ट दुख जो भी हमारे ऊपर आने वाले हैं उसको हम सहन कर सकें। सामर्थ जब मिल सकती जब हम प्रभु से मांगेंगे उसकी इच्छा के अनुसार। ये नहीं कि अपनी इच्छा के अनुसार प्रभु मुझे उन कष्टों से बचा ले या मेरे ऊपर ये मुसीबत ना आए। परीक्षाएं तो होंगी, हमें और आपको उस परीक्षा के लिए तैयार होना है। तभी हम और आप उस स्थान के लिए जो प्रभु ने हमारे और आपके लिए तैयार किया है, यदि हमारा और आपका जीवन उसके लिए उसकी इच्छा के अनुसार कष्ट झेल सकते हैं तो वो आनंद और वो खुशी जो वो हमें और आपको देने के लिए तैयार है हम उसको प्राप्त कर सकेंगे जब हम उसके अनुसार उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को। फिर हमें प्रार्थना करना है उसकी इच्छा के अनुसार कि प्रभु मुझे ऐसी सामर्थ्य दे, मुझे प्रार्थना का ऐसा जीवन दे कि मैं अपने जीवन को प्रार्थना में हर परिस्थिति में परीक्षाएं भी आए मैं प्रार्थना में विश्वास में बना रहूं। प्रार्थना में बहुत सामर्थ है सचमुच में। प्रार्थना के द्वारा यदि हम और आप विश्वास से मांगते उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमें और आपको सफलता देता है और हर समय तैयार है। हमारा और आपका जीवन प्रार्थना में जीवन होना चाहिए।
ये नहीं है कि हम खाली मांग रहे हैं पर उसकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर रहे हैं तो हमारा प्रार्थना करना भी व्यर्थ है। प्रभु चाहता है कि हम और आपका जीवन प्रार्थना में जीवन हो, तभी हम और आप आशीषित हो सकते हैं। और उसके बाद उसकी भक्ति, भले कामों के लिए अपने आप को तैयार करना है उसकी इच्छा के अनुसार, ताकि हम भला भले काम कर सकें। सामर्थ प्रभु देगा। हम चाहते तो हैं हम दूसरे के लिए भला करें पर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि हम एक दूसरे को प्रभु के विश्वास में और उसकी अपनी भलाई के द्वारा और उसको प्रभु के आनंद में शामिल करें। उसके साथ भलाई करना तो दूर, हम उसको और नीचे गिराना चाहते। शैतान चाहता है कि हम उसको जो गिर रहा है उसे जाने दें, गिराएं, प्रभु से दूर करें, उसके साथ भलाई नहीं करते। कहलाते तो हम प्रभु के हैं, तैयार तो रहते हैं कि हम अगले की मदद करें, बीमारी है उसके साथ जाकर प्रार्थना करें, उसको विश्वास में भलाई के द्वारा प्रभु की इच्छा के अनुसार उसको प्रभु में बढ़ाएं, पर नहीं कर पाते। प्रभु चाहता है हम उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करें और उसके साथ भलाई का जीवन, जैसे यूसुफ ने अपने भाइयों के साथ भलाई की, प्रभु ने हमारे और आपके लिए कितनी बड़ी भलाई किया। पिता की आज्ञा के अनुसार उसने अपने जीवन को हमारे और आपके लिए मार्गदर्शन के रूप में दिया है। और प्रभु चाहता है कि हम और आप एक दूसरे के साथ प्रार्थना में जीवन में भलाई करने पाएं। सो हम और आप अपने आप को जांचें, प्रभु को अपने आप को दें कि प्रभु मैं आपके वचन के अनुसार, हम और आप परमेश्वर के साथ तभी रह सकते जब हम उसकी इच्छाओं को, इन इच्छाओं को जो प्रभु चाहता पूरा करें, जैसा प्रभु ने किया। सो आज प्रभु समय हमें और आपको चाहता है कि हम और आप उसकी इच्छा के अनुसार हम मांगे प्रभु से कि प्रभु अपने वचन के अनुसार मुझे सामर्थ दे कि मैं आपके वचन के अनुसार इन इच्छाओं को जो आप मेरे जीवन से चाहते हैं मैं पूरा करने पाऊं। मैं कुछ नहीं हूं, अपने आप को दीन करें, अपने आप को डाल दें प्रभु के आगे, जैसे प्रभु ने अपने जीवन को दीन और नम्र होकर प्रेम में जीवन में हमारे और आपके लिए नमूना दिया। हमें और आपको भी उसकी इच्छा के अनुसार आज उसको समर्पित करना है। सो प्रभु आशीष दे इस वचन के द्वारा हमें और आपसे बातें करें कि सचमुच में क्या प्रभु आपकी इच्छा, मेरे जीवन के प्रति आपकी क्या इच्छा है कि मैं उसको पूरा करने पाऊं। सो प्रभु आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित सामर्थ्य प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी इच्छा के लिए जो आप हमारे जीवन से चाहते हैं। हम मनुष्य हैं प्रभु, हम कई बार आपकी इच्छाओं को अपने जीवन में पूरा नहीं कर पाते हैं। शैतान हमें आपसे दूर करना चाहता है। हमें ऐसी सामर्थ दे प्रभु अपने वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, अपना वचन के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें कि हम आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चलाने पाए। जो जीवन हमारा शेष है प्रभु, जब तक प्रभु आपकी बुलाहट ना हो, जब तक प्रभु आपका आना ना हो, हम आपके इस वचन के अनुसार आपस में एक दूसरे को विश्वास में आपकी इच्छा के अनुसार, आपके प्रेम, आपकी आनंद में, आपके सेवा में, प्रार्थना में, जीवन में प्रभु अपने जीवन को समर्पित करते हुए आपको धन्यवाद दे सकें। धन्यवाद देते प्रभु आपके वचन के लिए जो सचमुच में हमारे लिए दिन प्रतिदिन आत्मिक भोजन के रूप में प्रभु आप हमें देते, ताकि हम इसके द्वारा तृप्त होकर
आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चलाने पाए। और यही चाहते प्रभु कि हम इस योग्य हों कि प्रभु हम आपके प्रेम में, आपके आनंद में, आपकी आशीषों के द्वारा दूसरों के लिए आशीष का पात्र बन सकें और लोग हमारे जीवन के द्वारा ठोकर ना खाएं, निराश ना हों, बल्कि हम आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु लोगों के लिए चिराग बनकर तैयार हो सकें। आपने वचन द्वारा हमें जो आत्मिक भोजन दिया, हम उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं और अपने जीवनों का समर्पण आपकी वेदी पर करते हुए इस विनती को अपने उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें।